आपका आप डिस्चार्ज करवा नीचे से। ओ सॉरी तू बोल रही है, तू बोल, नहीं मेरी बात। दोस्तों यूट्यूबर अरमान मलिक की जिंदगी में इतनी उथल पुथल चल रही है, लेकिन इसके बावजूद फैमिली का जो व्लॉग है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। हाल ही में अरमान मलिक, पायल और कृतिका ने फैंस के साथ शेयर किया था कि उनके बेटे जैद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बच्चे की हालत इतना ज्यादा सीरियस है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। हालांकि इस वीडियो में कृतिका मलिक, पायल मलिक सभी लोग रोते हुए नजर आए, क्योंकि जैद की हालत ही इतनी खराब। लेकिन जैद की हालत खराब होने के बावजूद मलिक फैमिली के लगातार व्लॉग्स सोशल मीडिया पर आते जा रहे हैं। इसी को लेकर लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा भड़क गया है, जिसको लेकर लोगों ने मलिक फैमिली को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। दरअसल हुआ ये है कि जैद इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। हाल ही में पायल और कृतिका ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में इस बात को शेयर किया था कि जैद को डायरिया हो गया है, जिसके बाद जैद की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। जैद की तबीयत खराब होने के बाद पायल की बेटी तूबा को भी सांस आना बंद हो गया था। अब जिसकी लाइफ में इतने ज्यादा उथल पुथल चल रहे हो, जिसकी लाइफ में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो, वो भला इतनी सारी चीजें वीडियो पर कैसे डाल सकता है। यही वजह है कि लोग अरमान मलिक के व्लॉग्स को लेकर काफी ज्यादा भड़के हुए हैं, और इसके बाद अरमान और उसकी फैमिली को गंदे तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल हुआ ये है कि जैद अभी इस टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट है। इस बीच चिरायु, जो कि अरमान मलिक का बेटा है, उसका नया व्लॉग सामने आया है, जिसमें जो पूरी फैमिली है हंसती खेलती नजर आ रही है। व्लॉग में आप देख सकते हैं कृतिका मलिक, पायल मलिक बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर घर पर नजर आ रही हैं। घर के अंदर काफी हंसी मजाक चल रहा है और पायल और कृतिका के बीच मजाक वाली नोकझोंक होती नजर आ रही है। इसी को लेकर लोगों ने गंदे तरीके से ट्रोल किया है, क्योंकि अगर बच्चा आपका हॉस्पिटल में है तो घर पर आप इतने मस्ती वाले मूड में कैसे रह सकते हैं। और इसी के साथ लगातार हर एक घंटे में जो उनके व्लॉग्स, इनकी इंस्टा रील्स सामने आ रही है, उसको लेकर भी लोग काफी नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में अरमान मलिक तीन प्यारे प्यारे बच्चों के पापा बने हैं, जिसमें पायल मलिक ने जहां जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो कृतिका ने बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जैद रखा है। लोगों का तो ये भी कहना है कि ये लोग जो बार बार ब्लॉग्स में बच्चों का चेहरा दिखाते हैं, बच्चों के बारे में बातें करते रहते हैं, इसी की वजह से जो है इनके बच्चों को ये सब दिक्कतें हो रही हैं, बार बार ये हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। जबकि अरमान मलिक को इस बात के लिए बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि हर बात को ब्लॉग्स में या फिर वीडियो में डालने की क्या जरूरत है। हाल ही में चिरायु के ब्लॉग की बात करें तो चिरायु पायल मलिक के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, और इसमें इन्होंने कैप्शन दिया है दोनों माँ की हुई लड़ाई, यानी कि पायल और कृतिका की लड़ाई हुई है, जिसको लेकर ये ब्लॉग पूरा बनाया गया है। हालांकि ये ब्लॉग अभी कुछ ही देर पहले ही डाला गया है। ऐसे में फैंस के तमाम ये सवाल है कि जब आपका बच्चा इतनी सीरियस हालत में है तो कौन ये ब्लॉग शूट कर रहा है, कौन ये अपलोड कर रहा है, और आखिर इसकी जरूरत क्या है। क्या आपको भी लगता है कि अरमान मलिक जो ब्लॉग शेयर करते हैं, जो बच्चों के बारे में अपडेट दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फेम और पैसे के लिए है? क्योंकि ऐसा हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स कह रहे हैं। अरमान मलिक की फैमिली में इतनी ज्यादा ट्रेजेडी चल रही है, इसके बावजूद अरमान हर आधे घंटे में उनका ब्लॉग्स, उनकी इंस्टा रील्स अपडेट हो रही हैं। अभी जो नया ब्लॉग है, इसमें जो पायल और कृतिका है मजाकिया तरीके में लड़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे से बहस कर रही है, इसको देखकर भी फैंस का जो खून है वो खौल उठा है। अरमान मलिक के इन ब्लॉग्स पर और जिस तरीके से लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जो भी आपकी राय है जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।